इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट में डिफरेंस की, तो सबसे पहला डिफरेंस ये होता है इफ और स्विच में कि इफ में ब्रेक स्टेटमेंट जरूरी नहीं कि हम लोग लिखें, हो सकता है कोई लिख दे, हो सकता है ना भी लिखें, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्विच में ब्रेक स्टेटमेंट लिखना मस्ट है कि स्विच में हमको ब्रेक स्टेटमेंट लिखना ही लिखना है। उसके बाद स्विच क्या करता है, स्विच एक समय पे एक ही कंडीशन को चेक कर सकता है, जबकि इफ मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकता है। उसके बाद इफ क्या करता है, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी कंडीशंस को चेक करता है, लेकिन स्विच सिर्फ इक्वल की कंडीशन को चेक करता है। अगर हमने सी एच इक्वल्स टू वन किया होगा तो अगर वन आएगा केस वन केस टू उसी तरह वो केस चेक करता है। उसके बाद इफ में आई एन टी, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, बुलियन, कैर, सबको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन स्विच में हम लोग सिर्फ शॉर्ट, लॉन्ग, आई एन टी, लॉन्ग, बाइट, कैर, इन्हीं सबको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये इफ और स्विच में डिफरेंस है जो कि तुम याद कर लेना तो हो जाएगा।